साल की 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आती है। महिष्मती नदी के किनारे बसे नगर का राजा महिजित राजा बड़ा ही गुणी राजा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू बड़े ही सार्थक अंदाज में यह कथा प्रसंग अपने भक्तों को सुना रहे हैं कि किस तरह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत के फल से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है। महिष्मती नदी के किनारे का जो बड़ा नगर, वहां का राजा महिजित राजा था। महिजित राजा प्रजा को अच्छी तरह से राजकाज में अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता था। दुष्टों को और शोषकों को और समाज के विरोधियों को दंड देने में साक्षात यमराज था। साधु संतों को और सज्जनों को सुख देने में साक्षात धर्म मूर्ति था। मित्रों के लिए इंद्र स्वरूप था। बड़ा बाहोश राजा था। श्रेष्ठ जनों के आगे नम्रता का सद्गुण था और दुष्टों के आगे एकदम कठोर शासक था। राजकाज तो अच्छा चलता था, लेकिन महिजित राजा के चित्त में शांति नहीं थी। बड़ा दुखी रहता था। एक दिन सभा भर के गांव के श्रेष्ठ जनों को और विद्वानों को पंडितों को अपने हृदय की व्यथा सुनाई। महिजित ने कहा कि मैंने कभी अनर्थ का धन खजाने में नहीं भरा और मैंने खजाने के रुपयों से ऐश आराम विलास नहीं किया। दुर्जनों का मैंने साथ नहीं दिया और सज्जनों की मैंने शरण नहीं छोड़ी और प्रजा को मैंने अपने पुत्र पुत्रियों की नहीं देखा है। प्रजा की कन्या मेरी कन्या, प्रजा के पुत्र मेरे पुत्र, प्रजा का दुख मेरा दुख, प्रजा का सुख मेरा सुख, ये सब होते हुए भी कोई ऐसा दुर्भाग्य है, इस जन्म में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मैं संतानहीन रह जाऊं, इसलिए मेरे चित्त में शोभ पैदा होता है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे शांति नहीं और संतानहीन होने का मुझे दुख भी हो रहा है। आप अगर मेरे प्रति आपका आदर है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो मेरा ऐसा कुछ अशांति निवृत्ति का कोई उपाय खोजिए। सभी ने राजा की सज्जनता देखकर सहानुभूति दर्शाई। महाराज, हम आपके कष्ट का निवारण करने के लिए सभी लोग प्रयत्न करेंगे। गांव के अच्छे समझदार विद्वान, ब्राह्मण, साधु और समाज के प्रतिष्ठित लोग तिथि तय करके आरण्य में गए। ऋषि मुनियों के आश्रम में खोजे इस राजा के दुख का कारण और उसका उपाय। खोजते 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 एक महान ऋषि के आश्रम की खबर मिली। वो ऋषि थे लोमस ऋषि। लोमस ऋषि सबसे ज्यादा दीर्घजीवी थे। योग शक्ति से तीनों कालों का ज्ञान तो उनको प्रत्यक्ष था और उनके संकल्प ऐसे बन गए थे कि एक कल्प बीते तो एक रोम झड़ जाए, बस जितने रोम है उतने कल्प जिएंगे। तो लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे, लोमस ऋषि का अभिवादन किया। लोमस ऋषि ने कहा, प्रजाजनों, तुम किस हेतु इतना संगठित होकर आए हो? तुम्हारा जो अभिष्ट हो पुत्रो मांग लो, हमें यथा योग्य तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, सहयोग करूंगा। तब लोगों ने कहा कि हमारे राजा महिष्मतीपुर के राजा महिजित धर्मात्मा है, सज्जन है, साधु सेवी है, समाज का सम्मान करने वाले हैं, दुर्गुण दुराचार से रहित हैं, फिर भी उनके यहाँ संतान नहीं है, इसलिए वे दुखी और उन्होंने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि किसी की संतान मरवा दी या किसी का धन लूट लिया अथवा किसी को निर्दोष को सजा दी और गुंडागर्दी की या करवाई, ऐसा कोई पाप इनके जीवन में नहीं।
मुनि ने कहा अच्छा हम देखते हैं। तीन आचमन भर के वो पद्मासन बांध कर बैठ गए। दो घड़ी तक परमात्मा परब्रह्म परमात्मा जहाँ से बुद्धि को मन को इंद्रियों को सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है, वेद शास्त्र समझने की जहाँ से मति उत्पन्न होती है, उसी परमात्मा में शांत हो गए, निसंकल्प हो गए। दो घड़ी के बाद उन्होंने आँख खोली और कहा कि देखो इस राजा ने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, अगले जन्म में ये बनिया था, वैश्य था और धन का बड़ा लोभी था। धन खपे 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 में खप रहता था। जाते जाते से प्यास लगी और एक बावड़ी में गाय बछड़े सहित पानी पीने जा रही थी, लेकिन ये गाय को पानी पीने नहीं दिया, उसको अकाल के खुद पानी पीने लग गया। प्यासी गाय का अनादर और गाय के बछड़े का अनादर करने का पाप इसको लगा और इसका कोई पुण्य है, बनिया था तो कोई सत्कर्म दान के पुण्य के प्रभाव से राजा हुआ है, लेकिन गौ को प्यासी रखने का पाप के कारण इसे संतान नहीं प्राप्त। अब तुम ऐसा करो कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आए तो सारे पाप ताप का शमन करके पुत्र प्राप्ति करा देती है और मनोवांछित फल देती है, रोगों को हरती है, स्वास्थ्य को भरती है, पाप को हरती है, पुण्य को भरती है, चंचलता को हरती है और स्थिरता और शांति को भरती है, दुर्गुण दुराचार को हरती है, सद्गुण सदाचार के संस्कार भरती है। ऐसी पुत्रदा एकादशी का व्रत तुम लोग करो, इससे तुम्हारा मन तो पवित्र होगा, लेकिन पुण्य फल राजा को अर्पित करो तो राजा भी करे प्रजा भी करे तो तुम्हारी माहिष्मती पूरी पुण्यमय होगी और राजा के यहाँ महीजीत के यहाँ पुण्यात्मा का जन्म होगा और इस कथा को जो सुनेगा सुनाएगा उसे भी पुण्य प्राप्त होगा। लोमस ऋषि ने महीजित प्रजा को कहा और युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने गीता का महात्म पूछने पर बताया ये कथा।